देश की आज़ादी के लिए जहाँ शहीदों ने अपने प्राण त्याग दिए, आज शहीद दिवस है। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में हजारों तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कई जगहों पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन यहाँ के सिवाना विधानसभा के युवाओं ने एक बीड़ा उठा रखा है पिछले 10 वर्षों से, रक्तदान शिविर का निरंतर जारी है। हमारे साथ में मौजूद है युवा संगठन के अध्यक्ष संदीप सांकला, इनसे जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे की और इनकी प्रेरणा क्या है और कितने युवा गर्मजोशी के साथ रक्तदान करते हैं, अब तक कितना यूनिट हो चुका है और कितने यूनिट का इनका पूरा रहेगा आगे का टारगेट। जी, अब तक रक्तदान शिविर जब आपने शुरू किया था तब से लेके अब तक में कितना बदलाव आया है, कितने युवाओं में जोश दिख रहा है? मुझे याद है कि जब 2010 में हमने ये सब शुरुआत की थी तो हर कोई रक्त देने से कतराता था, डरते थे, और एक तो ऐसा इंसिडेंस भी हो गया था, किसी की मदर मेरे पास शिकायत लेके आ गई थी कि भाई मेरे बेटे का रक्त क्यों लिया। बट आज के 10 साल बाद अगर देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है रक्त को लेके, और आज उत्साह के साथ युवा रक्त देने आते हैं। हमारे एक छोटे से मैसेज पे, पहले तो जा जाके समझाना पड़ता था एक एक को पर्सनली, अभी छोटे से मैसेज पे सोशल मीडिया के माध्यम से सैकड़ों युवा रक्तदान करने आते हैं। सर, रक्तदान के प्रति तब में और अब में कितनी जागरूकता आई है, कितने यूनिट पहले होते थे, आज की तारीख में कितने यूनिट का अनुमान? हमने नया नया कैंप लगाया था तब तो 50-60-70 होते थे, आज के तारीख में 200-250 नॉर्मली एक शॉर्ट मैसेज पे हो जाते हैं। सर, ये रक्तदान शिविर में कहाँ से टीम आती है, किस तरह से मैनेज होता है? ये जोधपुर के उमेद हॉस्पिटल से आती है, उमेद ब्लड बैंक से, और ये जो सारा ही जो रक्त है वो थैलीसीमिया एक बीमारी है जिसमें जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म से ही उसके रक्त की कमी हो जाती है, और जनरली उसकी जो एवरेज आयु है या एज है उसकी वो 17 से 18 साल होती है। 18 साल बाद ऐसे ज्यों ज्यों बड़ा होता है रक्त की कमी होती जाती है, पहले महीने 2 महीने में लगाना पड़ता है, फिर उसको 7 दिन में, फिर हर दिन में उसको ब्लड की ज़रूरत रहती है। इस तरह से एवरेज जो है अभी जोधपुर में है वो 20 साल का है थैलीसीमिया का बंदा, उसके बाद उसकी जनरली मिस हैपनिंग हो जाती है उनके साथ, तो ये पूरा ही उनको डेडिकेट है ये अपना ब्लड कैंप। यहाँ से ग्रामीण इलाकों में कम जागरूकता है, कई लोग वहाँ आपके जोधपुर में भी आप अलग अलग तरह से अपने परिवार से कैंप लगवाते हैं, तो यहाँ से जो पहुँचते हैं तो उनको किस तरीके से वापस उपलब्ध होता है ये? पिछले 10 सालों में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज तक हमारे समदड़ी सिवाना में रक्त की कोई कमी नहीं आई है। जनरली मई और जून में बहुत ज़्यादा रक्त की कमी रहती है, उस समय थोड़ा सी दिक्कत आती है, उस समय जोधपुर के युवा रक्त करके भी हम वापस ब्लड दे देते हैं, बट अभी तक कमी नहीं आई है। बट मैं समदड़ी के बारे में भी कहूँगा कि यहाँ के युवा या यहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी समाज सेवा से ओतप्रोत है कि हम जब भी ब्लड के लिए एक बार आवाज़ देते हैं तो हज़ारों युवा उमड़ के आते हैं और बहुत उत्साह के साथ रक्त देते हैं यहाँ के लोग। सर, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, जन्मदिवस पर भी रक्तदान होता है, लेकिन आपने ये आपने शहीद दिवस ही क्यों चुना? मैं जनरली बताऊं तो लोगों को 15 अगस्त के बारे में पता है, 26 जनवरी के बारे में पता है, बट इस देश के लिए जो तीन हमारे जो आदर्श हैं उन्होंने बलिदान दिया था वो डेट मुझे जहाँ तक पता है, या जक्सा मेरे साथ में है, 23 मार्च किसी को याद नहीं थी, बट अब सभी को पता है कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु ने फांसी पे हंसते हंसते लटक गए थे, उसके बाद ये डेट सबको मालूम पड़ी और आज इसको उत्साह के साथ ये मनाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं उनका बलिदान। रक्त देने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को साल में कितनी बार रक्त देना चाहिए और क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए? वैसे जनरली कहते हैं कि 3 महीने में हर कोई रक्तदान कर सकता है, और ये हम जो रक्त करते हैं वो 24 से लेके 46 घंटे में वापस बन जाता है वही रक्त है, तो हर 3 महीने में हर किसी को रक्तदान जरूर करना चाहिए। जैसा कि ये थे संदीप सांकला जो युवा संगठन के अध्यक्ष हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 माह के अंदर एक बार रक्त देना चाहिए। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कोई थकावट या कमजोरी महसूस नहीं होती है। माविद सेन के साथ DCN लाइव से समदड़ी से सुनील दवे।